कर्म बड़ा है। इस बात से कितने लोग, इतने लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा है। अब हाथ नीचे करो, अब बताओ धर्म बड़ा है। इस बात से कितने लोग सहमत, धर्म। चलो अब इसमें हम चर्चा करके आपको संतुष्ट करते हैं कि क्या बड़ा है। अब ये बताओ कि कर्म क्या है। जो हम करते हैं वो सब कर्म है। जैसे आंखों की पलकें झपक रही हैं वो भी कर्म है। हमारा दिल धड़क रहा है वो अपना कर्म कर रहा है। आप कथा सुन रहे हैं ये कर्म हो रहा, हम कथा सुना रहे हैं ये कर्म हो रहा है। चींटी चल रही है वो अपना कर्म कर रही है। हाथी चल रहा है वो अपना कर्म कर रहा है। शेर हिरण का शिकार कर रहा है वो अपना कर्म कर रहा है। कोई बेटा अपनी माँ की आरती उतार रहा है वो अपना कर्म कर रहा है। कोई अपनी माँ के पांव दबा रहा है वो अपना कर्म कर रहा है। कोई शराबी शराब पी रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है। कोई जुआनी जुआ खेल रहा है वो अपना कर्म कर रहा है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, है ना, कर्म है ना। शराबी शराब पी रहा है वो अपना, जुआनी जुआ खेल रहा वो अपना कर्म कर रहा है। कोई अपनी माँ को मार रहा है वो मारने का कर्म कर रहा है। कसाई गाय को काट रहा है, कसाई अपना कर्म कर रहा है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इस धरती पर जो हो रहा है, चिड़िया उड़ रही है वो कर्म कर रही है। कसाई बकरे को काटा जा रहा है तलवार से, वो कर्म हो रहा है। तो आप लोग कह रहे हैं कि कर्म बड़ा है, तो फिर कसाई तो गाय को काटने का कर्म ही कर रहा है, तो कर्म बड़ा कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो है वो कर्म है। अब इसे बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से समझना। जो हो रहा है सब कर्म है। इसलिए कर्म दो प्रकार के होते हैं, होते तो तीन प्रकार के हैं, पर मैं समझाने के लिए दो चीजों का सहयोग लूंगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा। कर्म कितने प्रकार का है? एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। वैसे तो कर्म की परिभाषा यह है, संचित कर्म, क्रियमाण और प्रारब्ध, ये तीन प्रकार के कर्म माने गए हैं। पर संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध क्या है वो मैं आपको बाद में समझा सकता हूं। अभी आप ये समझो कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। ये आपको समझ में आएगा। यदि मैं क्रियमाण संचित में जाऊंगा तो आपको, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, बात कठिन हो जाएगी। मैं सरल समझाना चाहता हूं। कर्म कितने प्रकार का मान लो है? तीन प्रकार का, पर दो प्रकार से समझो, एक अच्छा कर्म, एक बुरा। अब जैसे गाय की हत्या करना बुरा कर्म है, शराब पीना बुरा कर्म है। कर्म तो है, शराब पीना कर्म तो है पर बुरा कर्म है। गाय की हत्या करना, कसाई के द्वारा हत्या हो रही है, वो कर्म तो कर रहा है लेकिन वो बुरा कर्म है, गलत कर्म है। तो अब ये बुरा है और ये अच्छा है, ये कौन बताएगा? ये कर्म बुरा है, ये कर्म अच्छा है, ये बताने के लिए ही धर्म होता। धर्म ही बताएगा कि ये सही है, ये गलत है। इसलिए जीवन में धर्म युक्त कर्म होना चाहिए। यदि धर्म है आपके पास तो आप सही कर्म करेंगे, यदि आपके पास धर्म नहीं है तो आप गलत कर्म करेंगे। अब जैसे कुछ लोग शराब पीते हैं, मैं शराब नहीं पीता, आप में से कुछ लोग शराब नहीं पीते, क्यों? जिन्हें धर्म का ज्ञान है वो शराब पीने का कर्म नहीं करते, जिन्हें धर्म का प्रॉपर ज्ञान नहीं है वो शराब पी रहे हैं। तो धर्म का क्या होना चाहिए? जोर से, धर्म का ज्ञान होगा तो आप सही कर्म करेंगे, वरना आप सही कर्म नहीं कर सकते। कर सकते हैं, इसलिए धर्म का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान? बताओ जलेबी मीठी होती है या नहीं? जोर से हाँ या ना। नहीं होती जलेबी, मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो क्या मजाल के जलेबी मीठी हो जाए? जलेबी मीठी नहीं होती,
चाशनी में डूबने के बाद मिठास चढ़ती है उस पर, उसी तरह कर्म जलेबी की तरह है और धर्म चाशनी की तरह है। जब तक कर्म धर्म की चाशनी में नहीं डूबेगा तब तक वह कर्म ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए कर्म तो हो लेकिन धर्म युक्त कर्म हो। कैसा हो? धर्म युक्त। यदि आप, जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, ये लोग अधूरी बात जानते हैं। ज्ञान तो है पर अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान खतरनाक होता है। या तो आपके पास बिल्कुल ज्ञान ना हो या तो पूरा ज्ञान हो, आधा ज्ञान खतरनाक। अध जल गगरी छलकत जाए, कहां सुना होगा। तो मेरी माँ, समझो बात को, क्या समझाया गया आपको कि कर्म श्रेष्ठ नहीं है। यदि धर्म जुड़ा है उस कर्म से तो कर्म श्रेष्ठ होगा। आप अपने बेटों को क्या समझाते हो? बेटा सही कर्म करो, गलत कर्म ना, गलत काम ना करो। मतलब गलत काम भी होता है और सही काम भी, तो गलत काम कौन लोग नहीं करते और कौन लोग करते? जिन्हें धर्म का ज्ञान है वो गलत काम करेगा ही नहीं। इसलिए अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, एडवोकेट, जज बाद में बनाना, पहले धर्म की शिक्षा दो, उन्हें धर्मात्मा बनाओ। जिस बेटे के अंदर धर्म होगा वो अच्छा एडवोकेट होगा, अच्छा इंजीनियर होगा, अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा पायलट होगा, जिस फील्ड में होगा अच्छा करेगा, क्योंकि धर्म का ज्ञान है। और धर्म नहीं है तो बेईमान हो जाएगा। जज होगा तो बेईमान हो जाएगा, एडवोकेट होगा बेईमान होगा, इंजीनियर होगा बेईमान होगा, डॉक्टर होगा किडनियां बेच बेच के खा जाएगा। हर जगह धर्म चाहिए। क्या चाहिए? जोर से तो बताओ, क्या बड़ा है, धर्म या कर्म? क्या बड़ा? धर्म युक्त कर्म बड़ा है। जब कोई आपसे पूछे कि धर्म बड़ा कि कर्म, तो आप बोलना भैया धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अकेला कर्म श्रेष्ठ नहीं, अकेला कर्म तो कसाई भी अकेला कर्म कर रहा है। अकेला कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता, अकेली जलेबी मीठी नहीं हो सकती, चाशनी चाहिए। धर्म जुड़ा होगा कर्म से श्रेष्ठ कर्म है।